टीसीएस 2018 के परीक्षा परिणाम आने के बाद आज कस्बा राया के एक परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। जहां पहले से ही सिविल सर्विस के द्वारा सूचना मंत्रालय में सहायक निदेशक पद पर तैनात अभिनव द्विवेदी को सिविल सर्विस परीक्षा में 12वीं रैंक मिली है। कस्बा राया के रहने वाले अभिनव ने श्रीजी बाबा विद्यालय मथुरा से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीटेक किया, जिसके बाद उन्हें 2017 की सिविल परीक्षा के जरिए सहायक निदेशक का पद मिला। अभिनव ने अब सिविल परीक्षा परिणाम में 12वीं रैंक प्राप्त की है, जिसके बाद उन्हें डिप्टी कलेक्टर पद पर तैनाती मिलेगी। अभिनव के पिता धर्मेंद्र शर्मा विकासखंड में जेई के पद पर तैनात हैं। अभिनव के एक भाई बीटेक कर रहे हैं और उनकी बहन नीट परीक्षा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अभिनव के पिता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अभिनव ने 12वीं की परीक्षा में विद्यालय टॉप किया था। इस दौरान परिवार के अलावा कस्बा के लोगों में भी खुशी की लहर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। आपके परिवार से जिन्होंने सिविल सर्विसेज में जो आज परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसमें परिणाम उसका आया है 12वीं रैंक प्राप्ति है, कौन है आपके? ये मेरे पुत्र हैं। अच्छा, ये कहाँ अभी तक इनकी तैनाती थी, किस पोस्ट पर थे? अभी तक ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस दिल्ली में तैनात थे। जी, तो कैसा अनुभव हो रहा है परिवार से एक उपजिलाधिकारी की पोस्ट पर किसी का जाना, 12वीं रैंक प्राप्त करना, कैसा अनुभव है? मुझे भारी खुशी हो रही है और मैं ये चाहता था कि मेरा पुत्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आवे जी। तो भगवान ने वो मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। ये आप जो है यहाँ पर मथुरा में कहाँ तैनात हैं और किस पद पर तैनात हैं? मैं खंड विकास अधिकारी कार्यालय माट में जेई के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, परिवार में अभिनव जी के अलावा और कौन कौन है? अभिनव जी के अलावा मेरा इससे छोटा एक मेरा पुत्र है, उसका नाम अविनाश द्विवेदी है और वो अभी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से करके आया हुआ है, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। उससे छोटी मेरी पुत्री है, उसका नाम अनुष्का द्विवेदी है और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अभी इंटर करके आई है और वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो आने वाले दिनों में उन्हें भी आप क्या सिविल सर्विसेज की तरफ भेजना चाहेंगे? मेरी बेटी का मन MBBS करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का मन है जी। देखो, भगवान शायद उसकी उम्मीदें।